sixth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work, exercise 9.2. Now student, today let we start exercise 9.3. In the first question, student, what they give you? They give you tick the correct. In the first question, 29/4 in the decimal form is given by. By 4 दे रखा है, 8 means हमें क्या करना है, जो हमारी value है 29, उसको हमें divide करना है 4 से. 4 से बन जा 28, 1 is remaining. अब यहाँ पे हमें points में करना है, point में करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ point लगा है, तो point लगा है, तो यहाँ पे भी point लगेगा. Point के बाद 0, फिर हमने ये 0 इधर ली, 4 2 जा 8, 2 बच गया, फिर 1 0 और, जब तक complete divide नहीं होगा हमें इनको divide करना है, then 4 5 जा 20, so our answer will be 7.25. second part है, which method is used to change a fraction to decimal, कि fraction को decimal में change करने के लिए हमारे पास किस तरह की form होती है, numerator divide by denominator, denominator by numerator, numerator multiply deno and denominator minus numerator, तो हमारे पास form होती है numerator divide by denominator. In the C part, they give you 3 kg 125 gram in kg. हमें क्या करना है, 3 kg 125 gram को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना, ये तो हमारे पास पहले ही किलोग्राम में दे रखा है, हमें इस ग्राम को भी किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वी नो दैट देयर विल बी इन 1 ग्राम 1/1000 केजी, तो वी शुड 3 कम्प्लीटली, 3 केजी यहाँ पे हमें पहले ही दे रखा है, तो 3 कम्प्लीट है, और यहाँ हो जाएगा 1/25 अपॉन में 1000. यहाँ देखेंगे 3 जीरोज हैं डिनोमिनेटर में, और ऊपर कितनी है, 3 वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 3.125. आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1. इन द सेकेंड सम स्टूडेंट, व्हाट दे गिव यू, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू फ्रैक्शन इन देयर लोवेस्ट टर्म. हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इन समों को कैसे करेंगे स्टूडेंट, वैल्यू क्या दी है, 0.45, तो हमने यहाँ लिख लिया 0.45 दिया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में राइट करते हैं पहले इसको, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं, 4.5 हमने राइट किया, तो 45 कर दिया, पॉइंट के बाद देखा हमने 20 है, तो यहाँ पे अपॉन में 1 के बाद 20 आ गई हैं. अब ये क्या करना है, हमें लोवेस्ट फॉर्म में करना है, लोवेस्ट फॉर्म में करना है, तो स्टूडेंट हमने देखा ये इधर 5 है और इधर 0 है, तो ये किसकी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 5 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 5 9 जा 5 20, सो और आंसर विल बी 9/20. इसी तरह से हमें क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व करने हैं, जैसे यहाँ है 0.625, तो पॉइंट के बाद 3 वर्ड है, तो ये हो जाएगा 625 डिवाइड बाय 1000. इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना है. इन द थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर. हमें फ्रैक्शन में और मिक्स्ड नंबर में राइट करने हैं. देखो वैल्यू क्या दी है हमें, 2.005. तो स्टूडेंट देखो यहाँ हमारे पास एक मेथड है, हम इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करने के लिए पॉइंट से पहले जो वैल्यू दी गई होती है उसको हम यू राइट करेंगे, और उसके बाद फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर देंगे. वैल्यू क्या दी है, 0.005. पॉइंट के बाद 3 वैल्यू ये है, तो नीचे कितनी आ जाएगी, 3 0 आ जाएंगी. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 00, तो वैल्यू कितनी आई, 2 × 1/200. दिस इज योर आंसर. इसी तरह से हमें ये रिमेनिंग पार्ट भी सॉल्व करने हैं. मैं आपके सामने एक पार्ट और कर देती हूँ, वैल्यू क्या दी गई है हमें, एफ पार्ट करवा देती हूँ मैं आपको, 19.750. हमें वैल्यू दी है 19.750, तो हम क्या करेंगे, 19 को कंप्लीट फॉर्म में रखेंगे, और पॉइंट के बाद हमें क्या दिया, 750, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं, 30 आ जाएंगी. दिस 0 टू दिस 0 कैंसिल, अब ये कैंसिल हो रहा है 25 की टेबल से, 25 3 जा 25 4 जा, देन वैल्यू इज 19 × 3/4. नाउ स्टूडेंट इन द क्वेश्चन नंबर 4th, हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे हैं और डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है,
वैल्यू क्या दी है हमें फोर्थ क्वेश्चन में, जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, 66/100। तो इसको हम कैसे करेंगे, नंबर जो है वो हमने नंबर यूं का यूं राइट किया, फिर हमने चेक किया कि कितनी जीरो हैं, 1 2, तो पीछे से 2 नंबर काउंट करेंगे, 1 2, एंड पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट के आगे कोई नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, 0 राइट कर देंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट में क्या दिया है, 1 × 9/1000, तो इसको कैसे करेंगे, 1 × 9/1000। अब 1 तो कंप्लीट है, मीन्स 2 से 1 के बाद तो पॉइंट है, अब यहाँ पे रह गया 9 अकेला, लेकिन 0 कितनी है, 3, पीछे से काउंट करो, 1 2 3, इनके लिए हम क्या करेंगे, जीरोज अप्लाई कर देंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल डू, पार्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट डी एंड ई, आप कैसे करने हैं, वैल्यू क्या दी है, जैसे 4/50 दिया है, 4/50 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 50 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8/100 आ गया, तो हम हमारे पास नंबर है सिर्फ 8, बट यहाँ 0 कितनी है, 2, तो पीछे से 1 2, हम ये लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट है, 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 100 आ जाए या 200 आ जाए, इसी अकॉर्डिंग हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये पार्ट आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे वैल्यू क्या दी है हमें, 8/25। स्टूडेंट लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, मीन्स टू से हमें इस तरह की डिवीजन फॉर्म करनी है, 25, यहाँ सिंगल 8 है, अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 0, फिर हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद फिर एक 0 ली, तो 25 की टेबल में 25 × 3 = 75, कितना बच गया, 5, आगे एक 0 और उतार ली, देन 25 × 2 = 50, तो वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 0.32 इज आंसर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सम यू विल डू सेम। सो स्टूडेंट योर टूडेज वर्क इज क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 5 कम्प्लीट इन योर फेयर नोटबुक ऑफ मैथ्स। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज वी डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे।